आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी मतलब बनाना आपके मन में आता है ना कि बाप रे कितना ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये वाली जो सब्जी की रेसिपी है ना बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई है और उतना ही टेस्टी है। मतलब कि जितना बनाने का प्रोसीजर आसान है उतना ही खाने में ये लजीज टेस्टी मतलब लाजवाब सब्जी बनता है। अगर एक बारी आप मेरे तरीके से इस सब्जी को बना लेंगे ना तो हर बार इसी तरीके से कटहल की सब्जी बनाना पसंद करेंगे। आप सभी का स्वागत है किचन टू किचन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। यहाँ पर मैंने कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। छिलका निकाल करके इसे इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा। कढ़ाई में 2 चम्मच राई तेल डाल दिया था, थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च डाला था। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पकने देते हैं और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे कटहल को, जो कटा हुआ कटहल था। जब मैं तेल जीरा और लाल मिर्च डाल रही थी उस समय मेरा कैमरा ऑफ था, बंद था, तो मैंने बाद में उस चीज को नोटिस किया। और यहाँ पर कटहल को हमें 1 मिनट के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे भुनना है ताकि ये ऊपर से हल्का सा ब्राउनिश हो जाए, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ पर अब हम डाल देंगे कटे हुए आलू को। आप देख सकते हैं कटहल जो है हमारा हल्का सा ब्राउनिश चित्ती आ गई है ऊपर की तरफ। और अब इसे आलू के साथ कटहल को और 2 मिनट के लिए भूनेंगे हाई फ्लेम पे ही। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच के करीबन अदरक और लहसुन कूटा हुआ। पेस्ट भी आप डाल सकते हैं लेकिन कूटे हुए अदरक लहसुन का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें हम 1 बड़े साइज का प्याज स्लाइस में कटा हुआ डाल देंगे। और अब इसे फिर से हमें 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। गैस को कर देंगे फ्लेम मध्यम। अब मध्यम आंच पे हमें भूनना है क्योंकि कटहल ऑलरेडी हमारा भून चुका है। अब हमें प्याज को सॉफ्ट करना है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें अच्छे से भून चुकी हैं। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच आप डाल दीजिए लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर। और अब जो है अच्छे तरीके से हम इसे चला लेंगे सारे मसाले को। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला क्योंकि बहुत लोग मतलब सुने होंगे कि जो कटहल की सब्जी है ना बिल्कुल चिकन के जैसा बनता है अगर आप अच्छे से बनाएं तो। अगर आपके घर पे चिकन मसाला नहीं है तो आप कोई भी गरम मसाला भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और अच्छे से भून लेंगे यहाँ पे मसालों को। और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक को भी अच्छे तरीके से सब्जी में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सब्जी का मसाला है अच्छे तरीके से भून चुका है, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से भून चुकी हैं। गैस का फ्लेम आप स्लो रखिएगा जब सूखे मसाले इसमें इसके अंदर डालेंगे। और उस समय से बिल्कुल इसको स्लो फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। अब हम ढक देंगे और ढक करके भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं ताकि मसाले जो है वो हमारे कटहल के अंदर तक जाएं। लगभग 2 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब प्लेट को हटा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मसाले ने अपना जो ऑयल है वो छोड़ दिया है, बिल्कुल मसाले भून चुके हैं और कटहल भी हल्का सा कुक हो चुका है, इसलिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। अब इसमें पानी डालेंगे लगभग 1 ग्लास के करीबन, छोटे वाले ग्लास से, क्योंकि ये सब्जी मैंने सूखा रखना है इसीलिए मैंने पानी थोड़ा सा डाला है। फ्रेश फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। अगर आपको कढ़ी वाला कटहल का सब्जी बनाना है मतलब रसदार जो रहता है ना रस वाला वैसा वाला बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दीजिएगा तो बिल्कुल ग्रेवी वाला जो होता है ना वैसा कटहल का सब्जी बन जाएगा। और अब इसे ढक देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए फिर से इसे पकने देते हैं। 6 मिनट के बाद फिर हम लीड हटा लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए लगभग 6 मिनट हो गया है और जितना मैंने पानी डाला था वो इनफ था पकने के लिए, गैस को बंद कर दिया है। तो यहाँ पर हमने सब्जी निकाल लिया है, ऊपर से थोड़े से धनिया पत्ता डाल दूंगी। कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में, और जितना ही बढ़िया है दिखने में लग रहा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ।